और इस बंदूकों तो पां कृपाना की आवाज़ के सिंह अगे तो अगे वध रहे ने। बाहर निकलते सार ही सिंह सूरबियां ने वधी आ रही फौज को अगों रोक लिया। चीकां दी आवाज़ां गुरु जी ने उपरों गोलियां बंदूकों ते तीर तीरां दी बारिश कर दी। मैदान पक गया। सैकड़े मैदान विच डिग पए। लहू मिज चिक्कड़ चारे पासे लाल ही लाल। पंजे सिख इस वक्त तक जामे शहादत पी गए जेड़े पहली डार दे विच बाहर गए सन जिन्हां दे विच गुरके उह सिख सन जिन्हां ने सब तो पहला शहादत पाई। सतगुरां ने दूसरे दौर दे विच भाई खजान सिंह भाई ध्यान सिंह भाई दान सिंह जी भेजे। भाई खजान सिंह जी भाई दान सिंह जी और भाई ध्यान सिंह जी जंग दे मैदान दे विच फिर भी उसी तरह निपट रहे ने उसी तरह उन्होंने फिर जकारे छुड़ाए ने। और जकारियां दी गूंज दे नाल उन्होंने भी अपनी कृपाना वाइया उपरों सतगुरु भी तीर की बौछाड़ कर रहे थे। आखिर तीन सिंह और 10 लाख फौज कितनी देर तक चलती है लड़ाई। तीन सिंह अपने कर्तव्य दिखा के वह तीनों सिंह स्वर्ग सिधार गए। साहबजादा अजीत सिंह साहब जी की शहादत का समा आ गया है। संसार का अनोखा जंग लड़िया जा रहा है जिस जंग का जिस लड़ाई का कोई मुकाबला नहीं। गुरु जी आप देख रहे सन कि हुण नवाब सरहंद वजीर खां इको हल्ले दे नाल गढ़ी दे उत्ते कब्जा करना चाहुंदा है। सतगुरु इस गल नूं भांप गए सन। इस मंतव के लिए नवाब ने अपने जरनैलों हदायत खान इस्माइल खान फौलाद खान सुल्तान खान असमान खान जहान खान खलील खान अते पूरे खान को खास हदायतों देकर अगे भेजा। ये सारे दे सारे इको सार चारे पास्यों गढ़ी वल वधे ने। हर कोई जानता है कि इन्ना वड्डा हल्ला रोकना ये आसान काम नहीं है। इसलिए सिंघां ने गुरु जी के पास बेनती की कि इस वक्त निश्चित रूप दे विच शहादत सामने नजर आ रही है। कोई कारण नहीं कि असी बच सकी। फरमान है साडा और बेनती है गुर के सिंघां दी सतगुरु आप जी के चरणों में कि योग समझो तो आप इस वक्त साहबजादियां नूं लैके बाहर निकल जाओ। सतगुरां जी ने यह गल अणसुनी कर दी। ऐसा संभव नहीं। पातशाह ने इशारा किया बाहर देखो जंग का मैदान पूरी तरह नाल पख्या होया है। इस वक्त बाहर जाना और जरनैल दा छड़ के जाना और अपने बच्चों नूं बचा लेना फिर किहड़े साहबजादे नूं बचावांगा मैं। मेरे सारी ही आप साहबजादे हो। गुरु जी ने गल अनसुनी कर दी। उन्होंने जंग दे वल बार बार सिंघां दा इशारा किया। देखो इस वक्त समा इन्हां गल्लां दे उत्ते विचारन दा नहीं। जंग दी रणनीति आपां अगली की बनाईए इस गल दी विचार। गिरजा इस वक्त झीलां दे झुरमुट पा के उड़ रहियां ने और गिरजा लोथां वल इशारा कर रही ने। पर बेपरवाह ने गुरु गोबिंद सिंह जी सिंघां ने फिर बेनती की महाराज तुहाडा साहबजादे दे नाल गढ़ी छड़ के चले जाना ठीक रहेगा और वक्त की नीति भी यही कहती है। यह गल सुन के सतगुरु ने कहा कि केड़े साहबजादे
और किस साहबजादे की गल तुसी कर रहे हो? तुसी सारे ही मेरे साहबजादे हो मेरे प्यारे। सिंह ए वाक सुन के अवाक रह गए। बाबा अजीत सिंह जी नूं सतगुरु जी ने अपने हत्थां दे नाल शहादत दा बाना सजा दिता है। जाओ पुत्र वक्त आ गया है शहादत दा, शहादत दा वक्त आ गया है। और इस वक्त सतगुरां ने अपने हत्थी उन्हां नूं शहीदी बाना पहनाया है और जंग दा मैदान बाहर पूरी तरह तरह पक चुकिया है। सिंह इस वक्त पूछ रहे ने कि साहबजादा साहब जी दी नाल किन्ने सिंह जाणगे। सतगुरु ने इशारा किया है कि कुछ कु सिंह साहबजादा अजीत सिंह साहब जी दे नाल जाणगे। वो अपने बेटे नूं जूझदियां देख के सतगुरु कहण लगे कि असी निहाल होवांगे। कवि सहनपत जी कहते हैं कि जो पातशाह ने ऐसा किया तो सतगुरां के चेहरे उपर एक नवा ही एक वक्रे ही किस्म का नूर जि आ गया कि साहबजादा अजीत सिंह साहब इस वक्त जंग के मैदान के जूझण के लिए बिल्कुल तैयार ने। गुरपिता कमांडर ने और गुरपिता का हुक्म मनदिया होया साहबजादा अजीत सिंह साहब जी ने अपने पिता के चरण छोए ने और सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने साहबजादा अजीत सिंह साहब जी का मत्था चूमिया है। देव जमलिया जमले जट दिया मुंडिया तेरे प्यो दी तू भी किवें बोलदी है। सतगुरु जी ने साहबजादा अजीत सिंह साहब जी का मत्था चूमिया है और आसीस दिती है। जा
आप सुन रहे हो चढ़दी कला का प्रोग्राम अपने दास गुरदीप सिंह दे नाल। आपां उस गाथा नूं छेड़ के अज सतगुरां दे चरणां दे विच शरदा दे फुल अर्पित कर रहे हैं, जिहड़ा अनोखा जंग दुनिया दे इतिहास दे विच शायद अपनी किस्म दा नवेकला ही जंग है। साहबजादा अजीत सिंह जी जंग दे मैदान दे विच जाण दे लई बिल्कुल तैयार हो गए ने। हुण पिता और पुत्र दे विच गलबात हो रही है और जिसका जिक्र श्री गुरु सोभा दे विचों सानू बड़े स्पष्ट अर्थां दे विच मिलदा है। की गलबात हुई है उत्थे, की विचार हुई है? श्री गुरु सोभा लिखदा है, तां ही समय कारण करन लीनों सिंह बुलाए। जदों अजीत सिंह जी नूं सतगुरु जी भेजण लगे जंग दे मैदान दे विच, तां सारे सिंह इकट्ठे कर ले। कही सिंह रणजीत मैं दूतन दे सजाए। सतगुरु जी ने रण दे मैदान दे विच कहा कि साडा जिहड़ा जन्म है वह दूतां दा, दूतां नूं सज़ा देण दे वास्ते होया है। बिनों करी कर जोर कह खुशी करो करतार। पातशाह कहण लगे, करतार ने अज मेरे लई बहुत खुशी दा दिन बख्शिया है। बिनों करी कर जोर, सतगुरु ने बेनती की करतार दे अगे उत्ते हाथ जोड़े कि सतगुरु तुसीं मेरे ते बड़ी कृपा की है जो अज मैनूं खुशी दा दिन बख्शिया है। खुशी करो करतार, जिहड़ी अज मेरे लिए सब तो वड्डा खुशी का दिन है। करो वीर संग्राम मैं देखूं आपने हार। मेरे वीर पुत्र संग्राम दे विच जाओ, भाव रण दे मैदान दे विच जाके जूझो। और मैनू इंतजार सी अज की इस घड़ी का कि मेरा पुत जंग दे मैदान दे विच जूझे और मैं उसनू जंग दे मैदान दे विच जूझदिया होया देखा। जंग के मैदान दे विच जूझे और मैं उसनू जंग के मैदान च जूझते हुए देखा। जंग के मैदान दे विच जाओ। गुरबिलास पातशाही दसवीं दे शब्दां दे विच सतगुरु जी कहण लगे, दुनिया दे विच अज सब तो हसीन दिन मेरे वास्ते हुई है।